प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज बादाम मिल्क शेक बनाएंगे। बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए 1 लीटर दूध मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। इसको एक 15 मिनट बॉयल होने देंगे। 15 बादाम 5-6 घंटा भिगा के उसका छिलका निकाल के रखी हूँ, तो उसमें थोड़ा सा ये दूध डाल रही हूँ, ये मिक्सी कर लेंगे। अभी दूसरी कटोरी में 1 केवी दूध निकाल रही हूँ, ठंडा दूध। ये बाद में देखते हैं क्या करना है। अभी ये बादाम मिक्सी में डाल रही हूँ, ये दरदरा पीस लेंगे। वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये 1.5 स्पून जो दूध निकाल के रखा था ना, उसमें ये मिला रही हूँ। लम्स नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए ऐसा कितना अच्छा ये मिक्स हो गया है। दूध में केसर डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा रहेगा, कलर भी अच्छा आएगा। देखिए दूध बॉयल हो रहा है, ये 10-15 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। थोड़ा दूध गाढ़ा होना है। देखिए इस साइड से इसकी मलाई भी हम छुड़ाते मिक्स करते रहेंगे। कितना अच्छा ये बॉयल हो रहा है, देखिए गाढ़ा हो गया है दूध थोड़ा। अभी इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा था ना, ये थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मिक्स करते करते डालेंगे। देखिए ऐसा चीनी डाल रही हूँ, अपने टेस्ट अनुसार ज़्यादा कम चीनी कर सकते हैं। बादाम मिक्सी किया था ना, वो भी इसमें डाल रही हूँ, ये अच्छी तरह से बॉयल होए। अभी इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू। ये भी थोड़ा बॉयल होने देंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, अच्छा पक गया है। अभी इसको एक बाउल में निकाल देंगे, इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे। 2-3 घंटा फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रखेंगे। देखिए कितना ठंडा ठंडा बादाम शेक रेडी हो गया है। अभी इसको सर्विंग ग्लास में डाल रही हूँ, ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ। बादाम मिल्क शेक रेडी।